अपनी परेशानियों के बारे में सोचते सोचते राघव की कम आंख लग गई, उसे होश ही नहीं रहा। अभी राघव की आंख लगी ही थी कि तभी उसे एक फोन आया। सामने से फोन पर जो आवाज आई उसे सुनकर राघव एकदम से चौंक गया। आवाज ने राघव से कहा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और उस सरप्राइज के लिए तुम्हें कल शाम 5 बजे स्टार कैफे आना होगा। सरप्राइज की बात सुन राघव ने उस आदमी की पहचान पूछी। जवाब में उस आवाज ने कड़क अंदाज में कहा, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, याद रहे कल शाम 5 बजे स्टार कैफे। इतना कहकर फोन कट गया। राघव सोच में पड़ गया और धीमे आवाज में खुद से कहा, स्टार कैफे में सरप्राइज, आखिर कौन हो सकता है जो मुझे सरप्राइज देना चाहता है। अगले दिन राघव ठीक 5 बजे उसी स्टार कैफे में पहुंच गया। बैठे बैठे वो स्नेहा के बारे में ही सोच रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसकी आंखें बंद कर दी और ऊंची आवाज में बोला, सरप्राइज। राघव ने उन हाथों को छुआ जिसने उसकी आंखें बंद की थी। हाथ छूने में काफी सॉफ्ट और पतले थे। फिर राघव ने अपनी आंखों से उन हाथों को हटाया और फौरन पलट कर देखा। जैसे ही राघव ने पलट कर देखा वो एकदम से सन्न रह गया। उसके मुंह से इतना ही निकला कि तुम? हाँ मैं, और कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज? सरप्राइज देने वाली कोई और नहीं बल्कि सोनल मेहरा थी। सोनल को देखते ही राघव ने खुशी से उसे हग कर लिया। सोनल भी एकदम हैरान सी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव उसे अचानक से गले लगा लेगा। सोनल के दिल में ना जाने क्यों राघव के लिए एक अलग सी फीलिंग उठ रही थी। उसने 2 कॉफी का ऑर्डर दिया और फिर दोनों ही हंसी मजाक करते हुए कॉफी पीने लग गए। उधर सोनल और राघव कॉफी पीने में बिजी थे, इधर कोई था जो उनका पीछा करते हुए यहां कैफे तक आ गया था। उस शख्स ने अपने मोबाइल से सोनल और राघव की फोटो लेना शुरू कर दिया। फोटो लेने के दौरान उस शख्स ने खुद से बात करते हुए कहा, आज तो मजा ही आ जाएगा, ये फोटो देखकर तो मैडम खुशी से पागल हो जाएंगी। जब सोनल और राघव एक दूसरे को हक कर रहे थे तो इस दौरान उस शख्स ने उनकी कई सारी फोटोज खींच ली थी और कुछ वीडियोज भी बना लिए थे। वीडियो और फोटो खींचने के बाद उसने एक बार सारी वीडियो क्लिप्स और फोटोज को देखा, फिर जरूरी क्लिप्स और फोटो को सिलेक्ट करके फौरन गीता को भेज दिया। फिर गीता ने उस शख्स को फोटोज भेजने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की और उसके बाद गीता ने किसी को फोन मिलाया। ये फोन गीता ने अपनी जान पहचान के एक रिपोर्टर को मिलाया था। गीता ने उस रिपोर्टर से कहा, तुम्हें कुछ वीडियो क्लिप्स और फोटोज भेज रही हूं, इसे तुम शहर के हर न्यूज़पेपर में, हर सोशल मीडिया में पब्लिश करवा दो। आज राघव काफी थक गया था, थकावट उसके तन मन दोनों पर हावी थी। राघव बॉक्स और ब्लड मून के बारे में सोचते सोचते कब सो गया उसे मालूम ही नहीं हुआ। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। राघव की नींद टूट गई। उसने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। तब तक दरवाजे पर खटखटाहट लगातार और तेज होने लग गई थी। राघव ने हैरत भरे अंदाज में कहा, भला इस वक्त इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है। इतना कहकर राघव तेज कदमों से दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने अपनी आंखों के सामने जो मंजर देखा उसे देखते ही उसके पांव के नीचे की पूरी जमीन ही खिसक गई। उसने चीखते हुए कहा, स्नेहा। स्नेहा खून से पूरी तरह लथपथ उसके दरवाजे के सामने आकर गिर गई। वो दर्द से बहुत बुरी तरह कराह रही थी। राघव उसे फौरन उठाने लगा। घबराहट से राघव की जान सूख गई थी। स्नेहा को अपनी गोदी में उठाते हुए राघव ने घबराई आवाज में कहा, स्नेहा क्या हुआ तुम्हें, ये हालत किसने की तुम्हारी। पर स्नेहा कुछ बोलती इससे पहले ही उसकी आंखें बेहोशी से बंद होने लगी। उसकी खून की बूंदे टप टप करके राघव के हाथ में गिर रही थी। उसके हाथ इस समय स्नेहा के खून से रंगे हुए थे। ये देखकर वो बुरी तरह से घबरा कर बोला, स्नेहा स्नेहा उठो। फिर कुछ सोचकर वो बोला, मुझे स्नेहा को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। राघव ने तुरंत स्नेहा को अपनी बाहों में उठाया और उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाने को हुआ ही था कि उसे एक और लड़की की आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी सोनल की। राघव राघव प्लीज हेल्प मी राघव। आवाज सुनकर उसकी नजर सामने गई। उसने देखा तो सामने से सोनल बेतहाशा भागते हुए आ रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी और कपड़े अस्त व्यस्त थे।
सोनल को भी काफी गहरी चोटें आई थीं। सोनल ने उखड़ती सांसों के साथ राघव को देखकर कहा, राघव प्लीज सेव मी, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाती हुई आई हूँ मैं। राघव बुरी तरह से सकपकाया हुआ था, उसकी बाहों में स्नेहा थी खून से लथपथ, और सामने मदद की गुहार लगाती सोनल। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि एक पल में ये सब क्या हो गया। उसे ऐसा फील हो रहा था कि मानो वो किसी ऐसी भूल भुलैया में फंस गया हो जिससे निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। एक तरफ स्नेहा और दूसरी तरफ सोनल। सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।